सोना अच्छा लगता है जब आपने महंगे लोशन लगाया हो। जैक उसकी परवाह नहीं करता, उसके पास डील करने के लिए और जरूरी चीजें हैं। मैं इतना अनकंफर्टेबल क्यों हूँ? ओह, ये फिर से वही पैसे। ये बेड नहीं है, ये बैंक है। कैंडस, मैंने तुम्हें कहा था ना, बेड पर पैसे नहीं होने चाहिए। जैसे कि सिर्फ मैं ही यहाँ पैसे लाई हूँ, मुझे इस फाइनेंशियल मेस में कुछ नहीं मिल सकता। कौन जानता था कि अमीर होना इतना अनकंफर्टेबल होता। और दर्दनाक। हनी, तुम बस एक गोल्ड बार पर लेट गई थी, आराम करो, मुझे क्लीनर का नंबर ढूंढने दो। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे हैं। ओप्स, आउच। जैक, तुम क्या कर रहे हो? हमें इस पर कुछ आईसी लगाना होगा, ये नेकलेस बढ़िया रहेगा। क्या तुम अच्छा फील कर रही हो? मुझे नहीं लगता, मेरी सारी चीजें पैसों से कवर्ड हैं, ये हर जगह है। नहीं, मैं ऐसे नहीं सो सकती। आधी रात में सफाई करना, अगर आपका पार्टनर चाहता है तो करना पड़ेगा। कैंडिस हर चीज से छुटकारा पा सकती है। खैर, क्या हम थोड़ा कैश नहीं रख सकते? ओ नहीं, बेडरूम में और पैसे नहीं। हमने आखिरकार कर लिया, क्या अब हम सो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। दरवाजे पर कैश की एक नई शिपमेंट है। ओ नहीं, इस तरह हम कभी भी नहीं सो पाएंगे। किताब के साथ एक शाम बिताने से बेहतर और क्या हो सकता है? वैसे यहाँ थोड़ी ठंड है। ब्रर, रेडिएटर ठंडा है। मेरे ख्याल से मैं ठंड से जम रही हूँ। मैं अभी वापस आऊँगा। इवॉल्ट के पास आइडिया है, एक स्वेटशर्ट, ये गर्म रहने का अच्छा तरीका है, पर ये अपने आप में काफी नहीं है। मेरे लिए रुको, ये लो एक और जैकेट पहन लो। दुर्भाग्य से बहुत ठंड है, अगर हम सारा क्लोजेट ही ले आए तो। ये एक अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल से अब मैं गर्म महसूस कर रही हूँ। पर अब एक प्रॉब्लम है। ओप्स, इतनी सारी चीजों में मैं कैसे चलूं? पार्टी अमीरों की जिंदगी का एक क्लासिक पार्ट होता है, पर ये काफी थकावट भरा भी हो सकता है। ये बोरिंग है, कैंडिस को ये पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैक भी सब थकावे से काफी थक गया है, और उन सभी बेकार छोटी बातों से। हम घर कब जा सकते हैं? अभी जाना कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा। हर कोई अभी मजे कर रहा है और टेबल भी अभी तक खाने से भरा हुआ है। ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, खाना भी स्वादिष्ट नहीं है। शायद से हमें इसे भूल जाना चाहिए, काफी समय हो गया हमने साथ में समय नहीं बिताया। क्या तुम एक एप्पल खाना चाहोगे? सिर्फ धूप को एंजॉय करना कितना अच्छा है। और कुछ नए के लिए एक गेम खेलते हैं। मालदीव किसे चाहिए? वो बस सपने ही देख रहे हैं। ये शाम के नाम, रियलिटी में वापस आ जाओ। हे, कैंडिस और जैक को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस पार्टी के बाहर की शानदार जिंदगी के सपने देख रहे थे। ओ हाँ, ये एक सुंदर शाम है। मैगजीन्स का नया बैच होना कितनी अच्छी बात है। इवॉल्ट डिस्काउंट कूपन्स काट रहा है। ओह, हम सारे शॉपिंग के मजे लेने वाले हैं। उसको सेल्स और डिस्काउंट पसंद है। मेरी फेवरेट मैगजीन कहाँ है? मुझे उसे भी लाना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी डील्स होती है। सैंड्रा भी सफाई करने में बहुत बिजी है। एक अच्छी घर की मालकिन बिना महंगी टूल्स के सब कुछ धोती है ना? और ये क्या है? काउच पूरा पेपर्स और रैपर से भरा हुआ है, ये नहीं चलेगा। और ये क्या है? सैंड्रा सारे डिस्काउंट को कूड़े में डाल देती है। हो, ये बुरा हुआ। मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ब्रेडविनर एक और मैगजीन के साथ वापस आ गया है। वूहू, ओप्स, सब कुछ चला गया। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? इवॉल्ट ने कूपन्स निकालने में कितनी मेहनत की थी और सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो, माफी के लिए समय नहीं है, हमें डंपस्टर की तरफ भागना चाहिए। उफ, ये स्मेल, पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कूपन्स बच गए, शुक्र है। ब्रेकफास्ट तैयार है, टेबल पर आ जाइए। पर्सनल शेफ होना अच्छा है, पर वो कहाँ छुप रही है? घर इतना बड़ा है कि आपको किचन मिलता ही नहीं। यहाँ नहीं है ब्रेकफास्ट, यहाँ भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारा जीपीएस इस्तेमाल करना होगा, वैसे इससे भी काम नहीं हुआ। मेरे बॉसेस कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं साफ कर सकती हूँ।
और जब तक वो मेंशन में घूम रहे हैं, मैं जैक और कैंडिस का रोल प्ले करती हूँ। एंजॉय कीजिए आप भी। गेम बोरिंग हो रही है, पर वो लगभग पहुँच ही गए। मुझे कितना वेट करना पड़ा, आखिरकार उन्हें किचन मिल गया। तुम्हें नहीं पता यहाँ रहना कितना मुश्किल है। सिर्फ टेबल पर अच्छा खाना ही लाइफ को अच्छा बनाता है। शुक्रिया शेफ। इस तरह की मैगजीन लग्जरी लाइफ जीने का रास्ता है। वाह, ये बहुत सुंदर है। बहुत बुरा हुआ कि मैं इसे नहीं खरीद सकती, मुझे ऐसे कभी नहीं मिलेगी। पर मैं इसकी पिक्चर कट कर सकती हूँ। ध्यान से कट करो और वोइला, ये मुझ पर अच्छी लगती है ना? पर कुछ कमी है। खैर, मैगजीन में सब कुछ है और कैची यहाँ है। एक, दो, और नेकलेस मेरे गले में है। महंगी ज्वेलरी पहनना अच्छा लगता है ना? सैंड्रा, ये अच्छा लग रहा है, तुम बहुत क्रिएटिव हो। डिनर का क्या? प्लीज किचन में आओ, उसने सब कुछ सोचा हुआ है। क्या तुम तैयार हो? टडा! उप्स, इवॉल्व ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। डिशेज अच्छी है, पर ये भी मैगजीन की पिक्चर है। खैर, अगर हमारे पास ये सब है तो बुरा नहीं है। हे, तुम कुछ रेगुलर खाना क्यों नहीं खाते? ओह, पहले नहीं बता सकती थी क्या? अपने मेकअप के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये एक बढ़िया लुक होने वाला है अगर कोई बीच में ना आए तो। एक परछाई, ओह, ये मेरा बॉडीगार्ड है, वो अपने क्लाइंट को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ओह, तुम यहाँ भी? वो उन्हें पूरे घर में फॉलो करता है। कम से कम अपने बेडरूम में तो आपको लगातार निगरानी से ब्रेक मिल सकता है। ये क्या, वो हमेशा निगरानी रखता है। शॉपिंग, वो बिल्कुल आपके पीछे है। हे, कम से कम अपनी दूरी तो रखो। कैंडल सब परेशान हो रही है। क्या मुझे बाथरूम में भी अकेले समय नहीं मिल सकता? हे, कैसे? बॉडीगार्ड अपने बॉस को परछाई की तरह फॉलो करता है, वो आपको शांति से रहने भी नहीं देगा। ओ, मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। गरीब लोगों को भी सफाई की जरूरत होती है, बस ज्यादा चीजें वेस्ट मत करो। ये अच्छा है कि कम पानी से हाथ धो लिए जाए। हे, तुम क्या कर रहे हो? दो लोगों के लिए सोप का एक पोर्शन काफी है, इस पर बहस नहीं कर सकते। तुम्हारा मुंह धोने के लिए इतना काफी है। एक मटर के साइज का टूथपेस्ट काफी है, स्क्वीज मत करो। एक पिन के हेड के साइज का बिल्कुल सही है। हम शार्क नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी चीजें हमेशा ही रहे। वैसे ये टॉयलेट पेपर पर भी लागू होता है। इवॉल्व अपनी यूसेज को कम करने के लिए हर चीज करता है। ज्यादा बचत, वो बढ़िया है। पैसे गिनना अच्छा लगता है, पर ये बोरिंग भी हो सकता है। देखो, प्रॉब्लम ये है कि जैक बहुत ज्यादा कमाता है। मेरे हाथ थक गए और मेरी उंगलियों पर छाले पड़ गए हैं। कैंडल्स, मदद करो। ठीक है, चलो बदल जाते हैं, पर लगता है कि ये भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा। हो, ये दुख रहा है। सुंदर हाथ, ये पैसे गिनना, चॉइस तो पता ही है। आखिरकार तुम एक अकाउंटेंट क्यों नहीं रखते? तुम पिगी बैंक में पैसे साथ में ही डाल सकते हो। पता नहीं एक फोन के लिए पैसे कब इकट्ठे होंगे। ये लो, पर रुको, पैसे नहीं जा रहे। इसका मतलब है पिगी बैंक तोड़कर अपने सपने सच करने का समय है। उप्स, इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये एक इशारा है। कपड़े फोन से ज्यादा जरूरी है ना? इवॉल्व का भी एक सपना है, तो क्या हमें इसे अंदर डालना चाहिए? वाह, पिगी बैंक फुल है। ये समय है, वो अभी से सोच रहा है कि नई टीवी में कितने चैनल होंगे। पर जिंदगी में कुछ न कुछ होता ही रहता है। उसे जुकाम हो गया, वो सारी सेविंग्स दवाइयाँ खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। हम इतने अनलकी क्यों हैं? तुम्हें पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस दौरान कैंडिस एक मैगजीन पढ़ सकती है। क्या ये तुम्हारा है? फोन हमेशा सबसे गलत समय पर बजता है, पर कौन सा वाला? शायद से ये वाला या ये वाला। उसे अपने पर्स से सारे गैजेट्स निकालने पड़े। वो मेरे लिए है, लगता है उसे कोई दूसरे रिंगटोन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। पर इस समय सारे फोन को छुपाना होगा। ओह नहीं,
थोड़े समय के लिए। दूसरा कॉल पर कौन सा सेल फोन, ये एक बुरा सपना है। हेलो ईवॉल, सैंड्रा के पास अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक जरूरी न्यूज है, पर उसे मुश्किल से ही सिग्नल मिलते हैं। बेकार सेल फोन, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। यह अच्छा होगा अपने ग्रैंडफादर के तरीकों को इस्तेमाल करो। ईवॉल, हेलो, कब फोन्स कभी फेल नहीं होते। ठीक है हनी, काफी तेज है, पर ये फास्ट है और अच्छी क्वालिटी है, और ये हमेशा काम करता है। ये मजेदार है, आखिर फोन चाहिए किसे। हेलो, आपको हमारी नई वीडियो कैसी लगी? आपको कौन सी फैमिली ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट्स में बताएं। और भी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर देखिए। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल को दबाना ना भूलें। ट्रूम ट्रूम पर फिर मिलते हैं।